नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार किच्चा सुदीप, जिन्हें तो आप जानते होंगे, अभी उनकी विक्रांत रोना आई थी। इसके अलावा मक्खी SS राजामौली ने डायरेक्ट की थी, वहां पर भी उनकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। दरअसल दोस्तों, पिछले अप्रैल की बात है ये, जब किच्चा सुदीप तथा अजय देवगन के बीच में ट्विटर वार हुई थी। दरअसल दोस्तों, किच्चा सुदीप ने एक ट्वीट किया था, ये उस समय की बात है जब बॉलीवुड की फिल्में धड़ाधड़ पिट रही थी एक के बाद एक, और साउथ की फिल्में बहुत जबरदस्त कलेक्शन कर रही थी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी। तब उन्होंने, किच्चा सुदीप ने कहा था कि अब तो मान लीजिए कि जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और दोस्तों, इसके जवाब में अजय देवगन ने ट्वीट करके कहा था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, थी और रहेगी हमेशा। उन्होंने ये भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि जब हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो फिर आप लोग साउथ वाले क्यों अपनी फिल्मों को डब करके हिंदी में रिलीज करते हो। इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया। तो उसके जवाब में किच्चा सुदीप ने कहा था कि हमें तो फिर भी हिंदी आती है, आपको क्या हमारी क्षेत्रीय भाषाएं आती है, कि आपने कभी उनको सीखने की कोशिश की है। तो इस तरीके से एक वार उनके ऊपर, वार दोनों के बीच में चली थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच में अच्छे संबंध फिर से स्थापित हो गए थे। तो दोस्तों, अब किच्चा सुदीप ने अजय देवगन की काफी तारीफें की है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि जो पिछली बातें उनको भूलने का समय आ गया है, जो भी बातें मैंने कही है उन्होंने कही, उन सबको अब ये पास्ट है, बीता हुआ समय है, बीत चुका है, इसको भूल जाने की जरूरत है। और काजोल मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, और इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि मैं काजोल के साथ जरूर काम करना चाहूंगा। साथ ही दोस्तों, उन्होंने अजय देवगन की भी काफी तारीफें की, और उन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से किच्चा सुदीप ने अजय देवगन की तारीफों के पुल बांध दिया है और काजोल के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। तो एक तरह से अच्छी बात है अजय देवगन की, जिस प्रकार से दृश्यम 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और जिस प्रकार से उनकी फिल्म भोला आ रही है, फिल्म मैदान आ रही है, सिंघम अगेन आ रही है, तो अजय देवगन बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और पहले भी थे, ऐसी बात नहीं। अजय देवगन शुरू से उनका रुतबा रहा है, बॉलीवुड के सिंघम माने जाते हैं वो। तो किच्चा सुदीप के द्वारा अजय देवगन की यह तारीफ करना एक अच्छे संकेत है। और साउथ के हो या बॉलीवुड के हो, किच्चा सुदीप का कहना है कि सभी फिल्में, अगर फिल्म अच्छी है तो वो चलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो, और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, किच्चा सुदीप के अजय देवगन के बारे में दिए गए इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।